नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन अंडरस्टैंडेबल टेक न्यूज़ में। तो आज हम देखेंगे बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 5000 टू अप टू 6000, मतलब 5 से 6 हज़ार के बीच में हम स्मार्टफोन्स देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो आज के इस 5 से 6 हज़ार के बजट में सेगमेंट में हम देखेंगे हमारे पास 4 फ़ोन हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इनमें से एक तो है हमारे पास MI का Redmi 5A, दूसरा हमारे पास है iVoomi का i1, तीसरा हमारे पास है Tenor का D और इंटेक्स का Aqua 5.5 VR Plus। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास कुछ फ़ोन्स हैं, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे Redmi 5A की, जिसका जो डिस्प्ले है वो फ्रेंड्स 5HD डिस्प्ले है 5 इंच का। इसका जो प्रोसेसर है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है 4 to 5। रैम इसकी 2GB है, स्टोरेज इसकी 16GB है। इसके अलावा जो इसका फ्रंट कैमरा है वो 5 MP फिक्स्ड फोकस है। जो रियर कैमरा है वो 13 MP ऑटो फोकस है। इसके अलावा जो इसके हम स्लॉट्स की बात कर लेते हैं, मेमोरी और मेमोरी कार्ड की और सिम की, तो इसमें 2 तो सिम स्लॉट दे रखे हैं। इसके अलावा एक मेमोरी कार्ड के लिए अलग से इसमें डेडिकेटेड स्लॉट दे रखा है। इसके अलावा जो इसमें एंड्रॉयड है वो नोगेट है, जिसमें फिंगरप्रिंट हमको नहीं मिलता फ्रेंड्स। इसके अलावा जो इसके सेंसर्स हैं उनमें है एक हमारे पास इंफ्रारेड सेंसर, जिसके द्वारा हम हमारे TV DTH इनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसकी बैटरी है वो 3000 mAh की है, क्विक चार्जर की सपोर्ट नहीं करता है। इसका जो एंटीटू स्कोर था वो लगभग 32000 के आसपास आया था। इसके अलावा जो इसकी स्क्रीन प्रोटेक्शन है उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है इसकी वेबसाइट पे। जो इसकी प्राइस है फ्रेंड्स 2GB और 16GB मेमोरी के लिए, वो इसकी प्राइस रखी गई है 4999। इसके अलावा जो इसकी अवेलेबिलिटी है वो इसके आपको मिल जाएगा आराम से MI स्टोर पे। इसके अलावा आपको मिल रहा है ये फ्लिपकार्ट पे और अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। इसके जो कलर्स हैं, एक तो ये गोल्ड कलर में मिलेगा, इसके अलावा ये रोज़ गोल्ड और इसके अलावा ये डार्क ग्रे कलर में मिलेगा। इसमें नोटिफिकेशन लाइट होती है फ्रेंड्स। इसके अलावा हम चलते हैं iVoomi, जो हमारा नेक्स्ट फ़ोन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका मॉडल है i1। इसकी जो डिस्प्ले है वो 5.45 HD डिस्प्ले है। डिस्प्ले की एक कमाल की बात ये है कि जो रेजोल्यूशन है वो इसका 18:9 है, जो महंगे फ़ोन्स में आता है आजकल, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। इसके अलावा जो इसका प्रोसेसर है वो MTK MediaTek है 6737 है। रैम वही सेम 2GB, स्टोरेज 16GB। जो फ्रंट कैमरा है फ्रेंड्स वो इसका 8 MP है। जो रियर कैमरा है उसमें डुअल कैमरे दे दिए बुके इफेक्ट बनाने के लिए, तो एक तो है हमारे पास 13 MP और दूसरा है 2 MP ऑटो फोकस। इसके अलावा इसमें भी सेम है, 2 सिम कार्ड स्लॉट और एक मेमोरी कार्ड के लिए डेडिकेटेड स्लॉट दे दिया है आपको, जिसको आप 128GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें नोगेट है, फिंगरप्रिंट ये सपोर्ट करता है, इसमें रियर फिंगरप्रिंट दे दिया आपको। लाइट सेंसर है इसमें, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। इसके अलावा इसमें G सेंसर है। बैटरी की बात कर लेते हैं तो बैटरी इसमें फ्रेंड्स 3000 mAh है, क्विक चार्जर ये भी सपोर्ट नहीं करता है। इसका जो एंटीटू स्कोर आया है वो 29625 आया, मतलब 29625 आया था। स्किन प्रोटेक्शन के बारे में इसमें भी कुछ ऑथराइज्ड मेंशन नहीं किया गया है वेबसाइट पे। इसके अलावा जो इसकी प्राइस रखी गई है फ्लिपकार्ट पे वो लगभग 5999 है। और ये जो कलर में अवेलेबल है वो रेड है, ब्लैक है एंड गोल्ड में है। इसके अलावा इसमें भी नोटिफिकेशन लाइट मिल जाएगी। अगला जो हमारा फ़ोन है वो है 10 का D, जिसकी जो डिस्प्ले साइज़ है वो है 5.2 इंच HD। इसका जो प्रोसेसर है वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 425। रैम 2GB, स्टोरेज 16GB, 5 MP का फ्रंट कैमरा, 13 MP का ऑटो फोकस रियर कैमरा। जो इसमें स्लॉट्स की है बात करें तो वो भी 2 SIM और एक 1 मेमोरी कार्ड के लिए डेडिकेटेड स्लॉट दिया है। इसके अलावा इसमें नोगेट है, फिंगरप्रिंट को सपोर्ट करता है, इसमें भी रियर फिंगरप्रिंट दिया गया आपको। इसके अलावा इसमें जो सेंसर्स हैं वो है एक्सेलेरोमीटर सेंसर, जायरोस्कोप सेंसर, कंपास सेंसर, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको गिवन है। इसकी जो बैटरी है वो इस प्राइस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है, लगभग 3500 mAh की है। क्विक चार्जर को सपोर्ट करता है नहीं, ये भी इसके बारे में कोई मेंशन नहीं है। इसके अलावा जो इसका एंटीटू स्कोर है वो लगभग 35725 आया है। स्किन प्रोटेक्शन के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया है। इसकी जो प्राइस है वो है 4999 है, ये आपको एक्सक्लूसिवली अमेज़ॉन पे मिल रहा है। इसके अलावा जो इसमें कलर्स हैं वो ब्लैक और गोल्ड में आपको मिल जाएगा, 2 वेरिएंट हैं इसके अंदर। जो नोटिफिकेशन लाइट है उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद हम हमारे जो बजट सेगमेंट 5000 से 6000 के बीच में है,
उसके हम बात कर लेते हैं इंटेक्स के बारे में, जिसका मॉडल है एक्वा 5.5 वीआर प्लस, जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग भी दिखा रखी है, आपके नोटिशन आ जाएगा ऊपर स्क्रीन पे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, इसके फीचर्स के बारे में। तो इसकी जो स्क्रीन है वो 5.5 इंच की HD स्क्रीन है। इसका जो प्रोसेसर है वो MediaTek का 6737 है। रैम 2GB है, 16GB की स्टोरेज है, 5 MP का फ्रंट फोकस कैमरा है। रियर कैमरे की बात करें तो 13 MP आउट फोकस कैमरा है। अगर हम सिम कार्ड की बात करें तो इसमें 2 SIM कार्ड सपोर्ट कर जाएंगे, इसके अलावा एक मेमोरी कार्ड आप अलग से लगा सकते हैं, उसके लिए डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट दे रखा है आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें नॉगेट दे रखा है आपको, फिंगरप्रिंट इसमें नहीं है। सेंसर्स की बात करें तो इसमें आपको जायरो सेंसर, ग्रेविटी सेंसर, प्रॉक्सिमिटी और लाइट सेंसर दे रखा है। इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें एक खास बात है कि इसके साथ आपको VR हेडसेट भी मिलता है, तो आप इसमें आराम से 3D मूवीज, इसके अलावा 360 डिग्री वीडियोज देख सकते हैं। इसकी जो बैटरी है वो 2800 mAh की है, 2800 mAh की है, क्विक चार्जर को सपोर्ट नहीं करता है। इसका जो एंटी क्रिप्टो स्कोर है वो है 28725 आया है। स्क्रीन प्रोटेक्शन इसके बारे में मेंशन नहीं है। इसकी जो प्राइस है अभी, मतलब आज 15 जैन 2018 को फ्लिपकार्ट पे 5199 है, लगभग 5200 का आपको ये अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे। इसमें दो कलर में आपको मिल जाएगा, ब्लैक और गोल्ड। फ्रेंड्स ये कुछ फ़ोन थे 5000 टू 6000 के बीच में, जो बहुत ही अच्छे फ़ोन्स हैं। अगर हम बात करते हैं कैमरे की, अगर आपको कैमरा अच्छा चाहिए तो आप आई भूमि के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्रंट कैमरा भी 8 MP है और रियर कैमरा भी आपको डुअल कैमरा दे रखा है। इसके अलावा जो आपको इसमें स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है वो भी आपको 18:9 दे रखा है, तो आपका गेमिंग परफॉर्मेंस आपको खेलने बहुत मजा आएगा। इसके अलावा मूवी देखेंगे वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा उसमें सेंसर भी अच्छे दे रखे हैं, बैटरी वैटरी सब बढ़िया है, स्कोर भी इसका अच्छा है। तो फ्रेंड्स बाकी आपकी मर्जी, थैंक्स आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।